In this video for 9th class. In 9th class, I am teaching you active and passive voice. Now I am taught you the passive of past continuous tense. But today I will teach you past perfect tense. आज आपको हम past perfect tense बताएंगे. जिसके इन्द्र चुका था चुकी थे चुकी थे. तो इसका simple sentence होगा. इसमें सब्जेक्ट प्लस एच भी हुई आपकी है प्लस आपकी थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ब हुई सी है सन इसका पैसिव रूप होता है पैसिव रूप एंड पैसिव रूप वी राइट ऑब्जेक्ट फर्स्ट then HB had plus being working from home by subject other one और यहाँ पर इसमें नोट यहाँ लगा है फिर बना नहीं नहीं पैसे तो पैसे ऑब्जेक्ट एक नहीं पर ये सॉन्ग भी योर ऑब्जेक्ट ये सॉन्ग भी योर राइट फर्स्ट इसके साथ है ना ये फिर बी फिर सन By the by, see the in negative, right? Negative में active रूप subject plus had not working third form object other you see we write not after that तो यहाँ जाएगा तो हो जाएगा आपका see had No, sung, song. इसका पैसिव रूप हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट बीइंग वर्ब के थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट अदर वर्ब ऑब्जेक्ट दिया ऑब्जेक्ट ए सॉन्ग हो जाएगा A song plus had not been लगा तो sung by sing का है एक एंटर ऑफ टेक्स वी चेंज द मैसेज ऑफ टू सब्जेक्ट भी है तो लगता है सब्जेक्ट तो आपका है पहले आ जाएगा एक्टिव में है फिर सब्जेक्ट सी फिर sung ए सॉन्ग तो सुन ऐसे पैसे में भी है पहले आ जाएगा हैड ऑब्जेक्ट आएगा ए सॉन्ग बीन से बन कर दो सन वाई सी का ओके आई जा होमवर्क यू मे राइट सम ऑफ द सेंटेंस